प्रवासी मजदूरों के पैदल यात्रा करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये मजदूर बस भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। दिल में एक ही आस है कि बस किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं। कोई साइकिल से अपने घर की ओर चल दिया है तो कोई पैदल ही। इसी क्रम में आज हरियाणा, राजस्थान समेत कई जगहों के प्रवासी मजदूर पैदल यात्रा करके पटना पहुंचे, जहां पटना जिला प्रशासन की तरफ से प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। वहीं पटना सिटी के एसडीएम राजेश रोशन द्वारा सभी मजदूरों को खाना पानी देकर बस द्वारा दानापुर भेजा जा रहा है, जहां मजदूरों की मेडिकल जांच के बाद बस से ही उनको उनके घर भेज दिया जाएगा। उसको किसी परिस्थिति में भूखा नहीं हो, उसको खाना देना है, पानी देना है, उसको घर तक पहुंचाने के लिए बस की भी व्यवस्था की गई है। बस अभी दो बस आ रही है, दो बसों से सारे लोगों को अपने अपने जिला के लिए दानापुर केंद्र पर भेजा जाएगा और वहां से हर जिला की बसें जा रही हैं, जहां सुरक्षित उनको अपने घर तक पहुँचाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान से आए तीन प्रवासी मजदूरों ने पहले तो साइकिल खरीदी और फिर उसी साइकिल को दिन रात चलाकर वो पटना पहुंचे हैं। इन मजदूरों के चेहरे से इनकी बेबसी और बस किसी तरह अपने घर पहुंचने की तलब साफ झलक रही है। देश में आज से लॉकडाउन 4 लागू हो गया है, इसके बावजूद भी प्रवासी मजदूरों ने अपना साहस नहीं खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत फोकस।